नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि WhatsApp में ऑटो डाउनलोड होने वाले वीडियो ऑटो डॉक्यूमेंट को कैसे डिसेबल करें, कैसे उसे ऑफ करें। दोस्तों होता क्या है कि हम अगर Facebook के किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उसमें काफी वीडियो फोटो और डॉक्यूमेंट आते हैं जिससे हमारे फोन की डाटा जल्दी से खर्च हो जाती है, तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि उस ऑटो डाउनलोड होने वाले फीचर को कैसे डिसेबल करते हैं। इसके लिए ओपन करते हैं दोस्तों अपने WhatsApp को, और WhatsApp ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जाना होगा आपको सेटिंग्स में, यहाँ पे आप जाइएगा सेटिंग्स में। यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज एंड डाटा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो पहले आप जाइएगा यहाँ पे व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपके फोन में फोटो ऑडियो और वीडियो पर टिक है तो आप इसे अनटिक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फोटो आए किसी भी ग्रुप में या फिर पर्सनली और वो फोटो ऑटो डाउनलोड हो जाए तो आप इसे टिक रहने दे सकते हैं, बाय द वे आप इसे अनटिक भी कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा ओके। इसी तरह से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, तो यहाँ पे अगर आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे फोटो ऑडियो वीडियो और डॉक्यूमेंट ये ऑटो डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनटिक इसे कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से सेटिंग करके आप अपनी काफी डाटा को बचा सकते हैं, साथ ही आपको किसी ग्रुप या फिर पर्टिकुलरली कोई फोटो वीडियो भेजता है तो वो ऑटो डाउनलोड नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम क्योंकि आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।